तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड स्थित प्राचीन शक्ति मंदिर की दान पेटिका तोड़कर चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1200 रुपये भी बरामद किए हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों 12-13 जुलाई की रात्रि तिवारीपुर थाना अंतर्गत सूरजकुंड स्थित प्राचीन शक्ति मंदिर की दान पेटिका तोड़कर चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान जानी विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राजा राम विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर थाना राजघाट और ऋतिक पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद निवासी हिंदी मोहल्ला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1200 रुपये नकदी भी बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, सूर विहार चौकी इंचार्ज विकास कुमार सिंह, उप निरीक्षक नागेंद्र मणि, हेड कांस्टेबल प्रभाकर मिश्रा और कांस्टेबल लव कुमार गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, सबसे परफेक्ट नहीं है सर। देखिए ये एकदम परफेक्ट चल रहा है, ये पहले पहले वाले में परफेक्ट चल रहा है। ये अब किसका है ये, अभी देख रहे हैं ना, अब किसका है ना, ये तो माता उधर ये नहीं है, कल नहीं छोटा वाला लेके नीचे रख रहा है, एक रखा दो रखा ये बद्दी पेगा नीचे सारा मुंबई चल रहा है ये प्रस्वाता सूरजकुंड पर एक शक्ति मंदिर थी प्राचीन, उस शक्ति मंदिर के दान पेटिका तोड़ करके उसमें से पैसे चुरा लिए गए थे, जो सीसीटीवी में कुछ अपराधियों के फोटोग्राफ्स आए थे। पुलिस ने सक्रियता से और सघनता के साथ जो है तलाश की और वो शातिर अपराधी पकड़े गए, दो अपराधी जिन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। हाँ, ये चोरी का ही अपराध घूम फिर करके करते हैं और रेलवे ब्रिज के नीचे या अन्य पुलों के नीचे इस तरह से इनका अड्डा रहता है। यहाँ पुलिस शक नहीं करती है और रात में कुछ देर सोते हैं, सोने के बाद 1 बजे से उठते हैं और 4 बजे तक अपराध करके फिर भाग जाते हैं। अन्य कोई धंधा रोजगार नहीं करते हैं,